मैंने मोटर वाहन अधिनियम संशोधन केंद्र सरकार के द्वारा जो लागू किया है उसका पूरा विरोध मैं करूंगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मैं अगर जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। संशोधन किया, जुर्माने की हद देखो, हद क्रॉस कर चुके हैं। और इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो ये होगा कि चालान कटेंगे 10 दिन, बाद में होगी जेब भराई, ठीक है। वो क्या होगी कि भाई एक्चुअली क्या, हर आदमी डरेगा यार, जो भी है अगर 25,000 देने, 10,000 देने, 2,000 देने, इसी को 5,000 दो के पिंड छुड़ाओ, 2,000 दे के, तो आदमी क्या करेगा कि आपने कह दिया इसकी ये, अरे कहाँ है मोटर व्हीकल एक्ट, छोटा सा केवल कानून है। मोटर व्हीकल एक्ट में क्या होता है कि अगर कोई त्रुटि होती है आप उसका चालान काटेंगे, ठीक है, या जुर्माना लेंगे। तो पहले जो था मोटर व्हीकल एक्ट, उसमें एक दो बार संशोधन पहले भी हो चुके हैं। और परिवहन विभाग एवं पुलिस कर्मी लूट की दुकान को लेकर बाजार में उतरेंगे। आज आपको ये मालूम है कि परिवहन विभाग सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट है हिंदुस्तान के, किसी भी स्टेट का परिवहन विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, पुलिस, पुलिस को हम मान लेते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा में जवान लगे हुए हैं, लेकिन पुलिसकर्मी भी कुछ तो ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं। आईपीएस अधिकारी भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं, फिर तो आपके जवानों पे क्या उम्मीद कर ले हम, लूट की दुकान का धंधा करेंगे, ठीक है, चोट वसूली का धंधा होगा, ये चलो ट्रैफिक रूल सिटी में तो हो गया, गाँव में क्या होगा, थाने की जो पुलिस है और जो रूरल में जो है वो आम आदमी का शोषण करेगी, पॉइंट पे खड़े हो जाएंगे लेके पीसीआर जो भी उनके पास मिला है, वहाँ आम जनता का जो ग्रामीण लोग हैं जो कानून को पढ़ के अखबारों में डरे सहमे रहेंगे, और बाई चांस गलती कर भी दी तो उनके साथ अत्याचार आर्थिक शोषण होगा। वो शोषण क्या है, चालान भी कट जाएंगे, चालान 10 कटेंगे तो कम से कम 200 आदमियों के पैसे जेब में आएंगे। वो पैसा कहाँ पहुँचाना है, मोदी जी खुद ले रहे हैं या फिर बाद में अमित शाह ले रहा है या नितिन गडकरी ले रहा है अपनी जेब में, मुझे ये बता दो ये किस कारण से ये बढ़ोतरी हुई है। क्या नितिन गडकरी ये चाहता है कि देश की जनता को मार दिया जाए, आज वर्तमान हालात में देश का कोई नागरिक आर्थिक शोषण की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति ने लोन पे वाहन को लिया है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि टैक्स जमा करा रहा है, टोल दे रहा है, फिर आपके सड़क किनालातों में हैं, खड्डे पड़े हैं, 3-3 फीट के 4-4 फीट के खड्डे हैं जिनमें अलाइनमेंट आउट होता है, सबसे पहला पॉइंट। वाहन का टैक्स भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, टोल भी दे रहा है, फिर वाहन की मेंटेनेंस का खर्चा, और आप टोल पे लूट रहे हो, आप सड़क के आपके खड्डे पड़े हैं, आप जाके देखें, आप लंबा रन करके आए, आपको दिल्ली रोड पे आगे आप ज़्यादा लंबा मत जाओ, यहाँ से दिल्ली क्या एक विजिट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या हालात है। किस बात का टोल, किस बात का टोल। कई बार क्या होता है, आदमी घर से निकलता है, किसी भी परिस्थिति में निकलता है तो थोड़ी दूर गिन गया और आप नुक्कड़ पे खड़े हो, लो जी लो आ जाओ लूट की दुकान, तो क्या चाहते हो देश की जनता से। इन हालातों के में घर चलाना मुसीबत हो गई, फिर वो क्या करेगा, डिप्रेशन में आएगा, डिप्रेशन में आके वो आत्महत्या कर लेगा। तो आपकी जनसंख्या नियंत्रण ये कानून है क्या, इस प्रकार से नियंत्रण करना चाहते हो क्या। जो भी न्यायालय करेगा वो तो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ा था, तो मैं भी इस बात को सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ता हूँ या न्यायालय पे छोड़ता हूँ, जो न्यायालय करेगा वो मुझे मंजूर होगा, क्योंकि मैं देश का एक नागरिक हूँ, ठीक है। मैं न्यायपालिका की गरिमा को कभी ठेस नहीं पहुँचाऊँगा, मुझे न्यायपालिका का जो भी फैसला होगा वो मंजूर होगा, लेकिन सरकार का कोई फैसला मंजूर नहीं होगा इस तरीके का आर्थिक शोषण। जय श्री राम, वंदे मातरम। देवेंद्र शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भगवा रक्षा दल।